जिनका नाम अंग्रेजी के जे लेटर से शुरू होता है, ये पूरी तरह स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। इनमें आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं होती है, बहुत ही आत्मविश्वासी होते हैं। इनमें सहन शक्ति भी बहुत होती है। ये थोड़ा नखरीले स्वभाव के होते हैं, लेकिन बहुत ही गुणवान लोग होते हैं, उदारवादी होते हैं, बहुत ही प्रतिभाशाली और खुले विचारों के होते हैं। मानसिक शक्ति बहुत मजबूत होती है, बहुत रहस्यमयी होते हैं। इनको आप आसानी से नहीं जान सकते कि इनके अंदर क्या चल रहा है और ये क्या बोल रहे हैं। घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, कोई भी कार्य करें पूरी सोच विचार के बाद ही करते हैं, और किसी भी कार्य को करने का अगर इन्होंने एक बार मन बना लिया तो उसको पूरा अवश्य करते हैं। भाग्यशाली होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, इसलिए हर बात को व्यवहारिक दृष्टि से देखने वाले होते हैं। ये अपना काम अच्छे तरीके से धीरे धीरे सब्र के साथ करते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, अपने आप को सदैव व्यस्त रखते हैं। कभी कभी ये अपनी बातों को लेकर अडिग हो जाते हैं, फिर ये स्वभाव से जिद्दी भी हो जाते हैं और क्रोध भी कर लेते हैं। कई बार ये मेहनत तो ज़्यादा करते हैं लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाते हैं, लेकिन फिर भी कड़ी मेहनत करते रहते हैं और सफलता पा ही लेते हैं। अनुशासन बहुत पसंद होता है इनको। स्वभाव से परोपकारी होते हैं। इनके अंदर दया की भावना इतनी होती है, कई बार ये अपना नुकसान सहकर भी दूसरों की सहायता करते हैं, और इनका यही स्वभाव इनको लोगों के बीच एक अलग पहचान देता है। बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं, दूसरों से सहायता मांगना पसंद नहीं करते, लेकिन खुद दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये अपने कार्य के प्रति समर्पित होते हैं, कार्य करने से घबराते नहीं हैं, अपने लक्ष्यों को पाने के लिए जिद्दी होने की हद तक समर्पित रहते हैं, अपने मान सम्मान के लिए और पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। वैसे तो ये किसी से आसानी से नाराज नहीं होते हैं, लेकिन अगर कभी नाराज हो गए तो उसे आसानी से फिर माफ नहीं करते, चाहे वो इनका साथी ही क्यों ना हो। बुरे से बुरे हालात में अपनी हिम्मत को बनाए रखते हैं, बहुत स्वाभिमानी होते हैं। इनको हर स्थिति से निपटना बखूबी आता है, अन्याय और भेदभाव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। प्रेम के मामले में ये रिश्ते के प्रति काफी ईमानदार और वफादार होते हैं। जीवन के हर सुख दुख में अपने जीवन साथी का साथ निभाने वाले होते हैं। ये भाग्यशाली जीवन साथी साबित होते हैं। ये लोग प्रेम का दिखावा नहीं कर पाते, इनको दिखावा पसंद नहीं होता है। जो भी इनको जीवन साथी के रूप में पाता है उसको आप भाग्यशाली कह सकते हैं। प्रेम संबंध के मामले में ये लोग दिल से ही नहीं अपने विवेक से भी काम लेते हैं और बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय नहीं लेते हैं। ये लोग प्रेम संबंध के मामले में कभी भी भावनाओं में फंसकर निर्णय नहीं लेते हैं, सामने वाले को ठीक से परख कर ही साथी के रूप में चुनाव करते हैं। लेकिन अगर ये लोग किसी को भी साथी के रूप में पसंद कर लेते हैं तो फिर ये अपने साथी के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। लेकिन अगर इनका अपने साथी पर भरोसा टूट गया तो उससे दूर होने में भी देर नहीं लगाते। इनको अगर कभी प्रेम में धोखा मिलता है तो ये उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते और काफी भावुक होने की वजह से टूट जाते हैं। ये लोग अपने जीवन में किसी न किसी तरह की जिम्मेदारी हमेशा उठाते हैं, चाहे वो इनका जीवन साथी हो सकता है या फिर परिवार का कोई सदस्य भी हो सकता है। बहुत ही समझदार लोग होते हैं, अपने प्रेम के लिए आसानी से अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ते, हालांकि अपने प्रेम संबंध में भी पूरी तरह समर्पित साथी होते हैं। ये अपने प्रेम संबंध को आपसे शब्दों में जाहिर ना करें, लेकिन हमेशा अपने प्रेमी प्रेमिका के लिए साथ निभाने वाले होते हैं। कोई भी इनको आसानी से अपना साथी बना लेता है, क्योंकि अपने पार्टनर के प्रति पूरी तरह समर्पण का भाव रखते हैं। प्रेम संबंध के मामले में आप बहुत ज्यादा गंभीर होते हैं, अपने प्रेम जीवन में एक एक कदम आप आगे बढ़ते हैं, प्रेम जीवन में व्यर्थ की बातों को स्थान नहीं देते हैं। आप ऐसे साथी से प्रेम संबंध चाहते हैं जो आपके मन की बात जान सके। आप अपने प्रेम को शब्दों में जताने के बजाय आप उनको अपने कर्मों से व्यक्त करते हैं। रोमांस को रोमांसकारी बनाना आपको अच्छा लगता है। आपका प्रेम सच्चा और ईमानदारी वाला होता है, जिसे आप बहुत अच्छे से निभाते हैं। आप प्रेम संबंध में ऐसे साथी को पसंद करते हैं जो आपके मिजाज से मेल खाता हो। ये अपनी भावनाओं को प्रदर्शित नहीं करते, ये अपनी भावनाओं को प्रदर्शन के बजाय महसूस होने पर जोर देते हैं। अगर कभी इनका साथी इन पर अपनी हुकूमत चलाना चाहता है तो ये इनके साथी की बड़ी भूल साबित हो सकती है, क्योंकि ये दबाव बिल्कुल भी सहन नहीं करते हैं।